मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुपुर जारोली जैन। चलिए बात कर लेते हैं सत्ता के सेमीफाइनल की, उपचुनावों की। सत्ता का सेमीफाइनल जारी है, आज नामांकन का आखिरी दिन चल रहा है। आपको बताया कुछ देर पहले आपने देखा कि रामस्वरूप लांबा ने भी नामांकन भर दिया है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है, कल स्क्रूटनी होनी है और 15 जनवरी को नाम वापसी ले पाएंगे। साथ ही इसी के चलते 29 जनवरी को वोटिंग होनी है और 1 फरवरी को काउंटिंग और नतीजे भी घोषित होने हैं। उपचुनाव का रण सज चुका है, सेना भी तैयार है, सेनापति भी तैयार है। जहां प्रदेश में एक तरफ सर्दी का पारा चढ़ा हुआ है तो दूसरी तरफ अब राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। सभी दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिल रही है। दोनों पार्टी लगातार अपनी जीत के दावे ठोक रही है, लेकिन ये जनता ही तय करेगी। उनके भविष्य की कमान किसे सौंपेगी, ये जनता का आखिरी निर्णय 1 फरवरी को देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें रहती है। जनता अपने सस्पेंस पर किस पार्टी की मुहर लगाती है, ये 1 फरवरी को देखने वाली बात होगी। चलिए अब अलवर से जसवंत यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। एक बार घूम चुका हूँ, लोगों की भावनाएं भी जान चुका हूँ। अभी भी लोगों का माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा जी के विकास के लिए बहुत जबरदस्त उत्साह है और लगता है चुनाव एक तरफा रहेगा। सुभाष चौक में 3,000 मेरा कार्यालय रहा है, कभी मैं भी था। 1,500-2,000-3,000 ज्यादा आदमी आ ही नहीं सकते, तो 1,500-2,000 की तुम्हारे यहाँ कोई गिनती नहीं है। एक कहा जा रहा है यादव वोटों की टक्कर है टोटल, नहीं यादव वोटों की नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की, जो इनके प्राण नहीं है, प्राणहीन कांग्रेस की टक्कर है। पहले भी आमने सामने हो चुके हो आप लोग। मेरे ख्याल से अलवर जिले में सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीता था। कांग्रेस को 3600 कौम मेरे साथ है, हर वर्ग हर समाज मेरे साथ है और मैं ऐसे ही नहीं कैंडिडेट हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मुझे एक एक वोट का पता, इतना एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, दुनिया भर के चुनाव जीता हारा मेरे ज्यादा कोई गाता नहीं है। और ये चुनाव मेरा लक्ष्य अब जीतने हारने का नहीं, मेरे लक्ष्य महाराज जी के 2,80,000 के आंकड़े को ऊपर क्रॉस करना है। आप लगातार चाह रहे थे कि मोहित को टिकट मिले, अब आप खुद मैदान में। ये तो निश्चित रूप से मैं यही चाहता था कि नौजवान आए, पर करण सिंह के मुकाबले मैं भी नौजवान ही। एक 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 सिमिलरिटी देखने को मिलती है, आप आयुर्वेद जगत से आते हैं, वो एलोपैथी जगत से आते हैं, तो आयुर्वेद और एलोपैथी जगत के बीच की टक्कर है ये। देखो मूल भारतीय की और विदेशी की टक्कर है। और साथ ही आपको बता दें अजमेर से बीजेपी के प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा ने अपना आज नामांकन भरा। इस पर हमारे पत्रकार ने राजेंद्र राठौड़ मंत्री से क्या कुछ बात की, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ से आपको सुनवाते हैं। राठौड़ हमारे साथ मौजूद है। राठौड़ साहब, ये पूरा जो अजमेर का चुनाव है, उपचुनाव है, क्या मुद्दे रहने हैं, बीजेपी को वोट क्यों दे जनता, क्या इश्यू रहेंगे? संवरलाल जी ने अपने जीवन काल के अंदर इस जिले के अंदर जिस प्रकार के जनहित के काम किए, एक तपस्वी जीवन उनका रहा, लोगों से जुड़ाव, लोगों से लगाव, और भारतीय जनता पार्टी के इस कालखंड के अंदर वसुंधरा जी के नेतृत्व ने जिस प्रकार इस अजमेर जिले ने एक तरह से कहूँ तस्वीर बदली है अजमेर जिले के विकास की दृष्टि से, हर वर्ग को छूने वाला काम किया है। मुख्यमंत्री जी का जन संवाद और जन समस्या रहित हो अजमेर, ये परिकल्पना लगभग पूरी हो गई है। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूं कि कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है, कांग्रेस के सेनापति खुद ही सेना से पलायन कर गए हैं। कल तक जो कहते थे कि हम इस अजमेर की तस्वीर को बदलेंगे, सचिन जी पायलट जो दावा ठोकते थे कि मैं अजमेर का पहला सेवक बनूंगा, आज चुनाव मैदान से नदारद है। हिम्मत होती तो खुद आकर लड़ते, बलबेदी पर हमारे पुराने मित्र रघु शर्मा को उन्होंने चढ़ाया है। मैं समझता हूँ औपचारिकता भरा हुआ चुनाव है। नहीं, ये इस तरह का वादा आप कैसे कर सकते हैं, इश्यूज क्या हैं जिनके ऊपर, क्योंकि उपचुनाव में केवल 11 या तकरीबन साल भर का ये सांसद ही रहनी होती है, फिर चुनाव हो जाएंगे, विकास की तात्कालिक इश्यू क्या है? हमारे इश्यू यह है कि विकास की जो यात्रा अनवरत चल रही है अजमेर के अंदर,
वो आबाद चलती रहे, रुके नहीं, और उसके वाहक के रूप में रामस्वरूप काम करें। यहाँ हमारा विकास का मुद्दा है, हर वर्ग को छूने वाला सुशासन का मुद्दा है, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। और कांग्रेस के कालखंड के अंदर जब कांग्रेस का बहुत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ थे, उसमें कुछ नहीं मिला इस अजमेर जिले को, उससे भी लोगों के मन में इस कांग्रेस को एक बार और शिकस्त देने की मंशा है। कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, स्टेट में भी सरकार है, वहाँ भी सरकार है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने और सचिन पायलट ने खुद ने ये मुद्दा उठाया कि चार साल के भीतर यहाँ उनके कार्यकाल में जो काम हुए थे वो ठप हो गए हैं। देखिए, अभी चार वर्ष की वर्षगांठ जब हमने मनाई, अजमेर के सब लोगों को हमने चार साल में क्या क्या उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर हमने एक प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया है। उनके कहने से कुछ नहीं होता, उनको मैं कहूँगा चुनौती देनी है तो एक बार अपने काम सारे लेकर आ जाएं, खुले में चर्चा हो जाए, पूरी बात सामने आ जाएगी। पर ये पहली सरकार है जिसने हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने वर्षगांठ के रूप में मनाने पर दिखाया। कुछ ही समय पहले अजमेर में सारे विकास के कामों को हमने उस वर्षगांठ में दिखाया था। माने मुख्यमंत्री जी का यहाँ लगातार जनसंवाद करना, यहाँ गणतंत्र स्वतंत्र दिवस जैसे गरिमापूर्ण समारोह के अंदर यहाँ आकर उस समारोह को मनाना, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर इस अजमेर के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम इसी कालखंड में। कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है कि हमारा मुकाबला न केवल बीजेपी बल्कि सरकार से भी है, आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। हम लोग खड़े हैं यहाँ, सरकार के मंत्री आम लोगों के बीच में खड़े हैं, कहाँ है आचार संहिता का उल्लंघन? और अगर आचार संहिता का उल्लंघन है तो एक संविधान के अंदर व्यवस्था कर रखी है, चुनाव आयोग पड़ा, न शिकायत करो न जांच कराओ न हो गया सर। तो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो आचार संहिता के उल्लंघन है उनके आरोपों को सिरे से नकार दिया है, साथ ही जो चार साल में विकास के कामकाज का भी दावा किया कि उनके दम पर चार साल में जो सरकार ने काम किया स्टेट और सेंटर, उनके दम पर वो चुनाव में मैदान में है। अब ये जनता को तय करना है कि वो अनुभव को तरजीह देती है या बीजेपी के फ्रेशर उम्मीदवार को तरजीह देती है, ये बाद में तय होगा। गोवर्धन चौधरी, ईटीवी न्यूज, अजमेर। और साथ ही अजमेर से बीजेपी के प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा से बातचीत की हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने। रामस्वरूप लांबा ने यहाँ नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, नामांकन दाखिल करने के बाद रामस्वरूप लांबा हमारे साथ हैं। रामस्वरूप जी, अजमेर की जनता आपको क्यों चुन करके भेजे, इशू क्या रहेंगे आपके, जरा ये बताइए। हमारी सरकार के जो कार्य हुए हैं वो रहेंगे इशू, ये क्योंकि साल भर से कम का वक्त रहेगा आपके सांसदी के तौर पर, अगर आप जीतते हैं यहाँ पर इश्यू क्या रहेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे जो जनता के बीच में आप रखेंगे और जिनके आधार पर आपको आप वोट मांगेंगे? सीधा सा सवाल ये है कि जनता वोट क्यों दे, किन इश्यूज पे दे? पापा जी और उन्होंने जो काम किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो जनहित के कार्य किए हैं, पब्लिक प्लेसेज में जो काम हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुए हैं, रेलवे ओवरब्रिज बने हैं, नगर पालिका के हुए हैं, सब जगह कार्य हुए हैं, तो इन आधार पर देगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यहाँ पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के उन्होंने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? यहाँ जो आपके सामने जो उम्मीदवार हैं उनको किस रूप में लेते हैं आप? नहीं, मैं उनको चुनौती नहीं मान रहा हूँ, हमारे कार्यों के आधार पर, हमारे सांसद साहब ने, पिताजी ने जो कार्य किए हैं उनके आधार पर चुनाव में पूरी पार्टी हमारे साथ है और इसी आधार पर कार्य करेंगे। नमस्ते साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि उनका मुकाबला अकेली बीजेपी और रामस्वरूप लांबा जी से नहीं है, सरकार से पूरा मुकाबला है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप भी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और संसाधनों का तो कोई काम है ही नहीं अभी तो, और जनता है चुनाव लड़ाने वाली, संसाधनों से कोई काम थोड़ी ना होता है। कोई एक मुद्दा बताइए जो पर्सनली आपने टफ फील किया हो यहाँ अजमेर के बीच में, जो आप जनता से करना चाहते हैं? मुद्दे सारे हैं जनहित के जो काम हुए हैं, माननीय हमारे सांसद साहब ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी के नेतृत्व ने जो कार्य किए हैं, आज गांव-गांव में पेयजल की योजनाएं हैं, गांव-गांव में टंकियां हैं, गांव-गांव में संसाधनों का विकास हुआ है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, पिताजी ने किया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से हुआ है ये सब काम। तो रामस्वरूप लांबा केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज के बदौलत चार साल के कामकाज को जनता के बीच में लाकर उन मुद्दों पर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता दें, अलवर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव ने भी अपना पर्चा भर दिया है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, इसके चलते उत्साह, जोश, जज्बा, जुनून देखने को मिल रहा है।
आपको बता दें इस वक्त की अहम और महत्वपूर्ण खबर, अलवर से बीजेपी प्रत्याशी जसवंत यादव ने भी अब अपना पर्चा भर दिया है। कहा जा सकता है कि सत्ता के सेमीफाइनल की तैयारी उनकी तरफ से पूरी की जा रही है। और आपको बताते हैं अजमेर से शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी क्या कुछ कह रहे हैं रामस्वरूप लांबा के पर्चा भरने के बाद। मैं तो पिछले दिनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट बहुत ज्यादा अखबार में दे रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कुछ नहीं हुआ। अरे अशोक जी गहलोत, याद करो 2008 से लेके 2013 तक पूछता हूँ अजमेर के लिए क्या किया, एक खर्च किया तो जरा सामने आ जाओ, बता देंगे अजमेर वसुंधरा जी ने क्या किया। वसुंधरा जी ने 6,500 करोड़ रुपए केवल अजमेर जिले में दिए हैं, और जहां से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं 800 करोड़ केवल हमारे अजमेर उत्तर में दिए। देने वाले सब मंत्रीगण बैठे हैं, इन्होंने थोक में पैसा दिया और आज कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और शुरुआत तो माननीय सामलाल जी ने की थी, मैं भी जब अजमेर के लिए जाता था उन्होंने कहते थे वासुदेव जी कितने हैंडपंप चाहिए, मैं कहता 50, तो 70 ले जा, तो 100 ले जा, कभी उन्होंने मना किया नहीं। ऐसे विकास पुरुष के सुपुत्र अपन सब भारतीय जनता पार्टी राम को मानती है ना, अपन राम को मानते हैं, तो राम के स्वरूप राम स्वरूप आपके सामने कैंडिडेट है, तो राम स्वरूप को हजारों मतों से लाखों मतों से जिता करके हम लोग लोकसभा के अंदर मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। ये सबको ध्यान है, आज विकास में हमने कमी कहीं छोड़ी नहीं। माननीय वसुंधरा जी ने इसको बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है, और अजमेर पे तो बहुत विशेष मेहरबानी की है, अजमेर आज पूरा विकसित है, पूरे पानी की कहीं कमी नहीं छोड़ी, चिकित्सा में कमी नहीं छोड़ी, और पंचायत राज मंत्री बैठे हैं इन्होंने, यहाँ पे पंचायत में हर एक जगह पैसा खूब दिया है। जिला प्रमुख जी कहते हैं पैसे कहाँ खर्च करूं, इतना सारा पैसा है। इसीलिए आज स्कूलों के अंदर भी हमने अजमेर जिले के अंदर 142 स्कूल 12वीं के क्रमोन्नत किए हैं, और भी जहाँ कहेंगे हम और करेंगे। इसलिए शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होता है। भाई और बहनों, रोजगार के विषय में पीछे नहीं, इसलिए आज सबसे प्रार्थना है कि आज इस जोश के साथ आए हो, आगामी यह जोश 29 तारीख तक बना के रखें, और 29 तारीख को सवेरे अपने खुद का, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का सारे वोट बीजेपी के झोली में डाल करके हम राम स्वरूप जी को लाखों मतों से जिता करके उस कांग्रेस जिसने एक हारा हुआ उम्मीदवार खड़ा किया है। अरे कई बार सप्लीमेंट्री तो एक बार आती है, कोई फेल होता है तो दो बार होता है, अरे 4 बार जो फेल हो गया उसको कोई परीक्षा देने का वो तो एलिजिबल ही नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री हूँ, शिक्षा में किसी को भी 4 बार के बाद हम कोई अवसर नहीं देते, इसलिए वो तो पहले से ही फेल है। इसलिए उस फेल को फेल घोषित करके आप भी उसके अंदर मूर्ति करें। इतना ही, आप सब आए हैं इस अजमेर नगरी, ये पटेल मैदान मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस जोश के साथ मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, वसुंधरा जी के हाथ मजबूत करेंगे, और सांवला जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आंदोलन भारत माता की, दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की। मैं बोलूंगा राम स्वरूप आंखों का दिल्ली जाएगा, राम स्वरूप राम स्वरूप राम स्वरूप। जय हिंद जय भारत। आप सबके जोश और उत्साह को देखते हुए ये मैदान छोटा पड़ गया, और अभी तक हमारे कार्यकर्ता और हमारी जनता यहाँ पर अपनी निष्ठा जो सांवला जी के प्रति थी उसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर आ रही है। मैं अगले वक्ता के क्रम में आमंत्रित करता हूँ हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी सहकारिता मंत्री अजय सिंह जी किरक साहब को कि पधारे और अपना उद्बोधन रखे श्रीमान अजय सिंह जी किरक साहब। नामांकन के आखिरी दिन मंडलगढ़ से कांग्रेस को झटका लगा है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही है, और इसी के चलते कांग्रेस से बागी हुए मंडलगढ़ पंचायत समिति के गोपाल मालवीय ने अपना निर्दलीय नामांकन दर्ज करवाया। इस दौरान यहां पर भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। आपको बता दें प्रत्याशी गोपाल मालवीय ने कहा कि मैंने पहले 2 बार पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन जातिवाद के चलते मेरा नाम ही काट दिया गया था। मालवीय ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी
ने ये भी कहा कि मेरे समाज के मतदाता कम होने के कारण मेरा कांग्रेस पार्टी ने हर बार नाम काटा है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैं भी नॉमिनेशन भर रहा हूँ और एक फॉर्म मेरा इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी भर रहा हूँ और जो भी जैसा निर्णय होगा और मुझे अगर पार्टी मौका नहीं देगी तो मैं निर्दलीय के रूप में भी मैं नॉमिनेशन करके क्षेत्र का भला करूंगा। 36 कौमों को साथ लेकर इस क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं। काफ़ी मुझे ललक है, 2008 में मैंने टिकट मांगा था, 2013 में मांगा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे जाति के मेरे समाज के वोट कम है, इसलिए मुझे ये पार्टी से मुझे टिकट नहीं मिल पाया और मैं पार्टी के लिए मेरा अब तक का जीवन मैंने समर्पित किया है। मैंने लोगों के दुख सुख में हमेशा काम किया है और मैं 3 बार सरपंच भी रहा, प्रधान भी रहा और मैं इस अगर विधायक में मुझे यहाँ की जनता चुनती है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं सभी को साथ लेकर पूरे क्षेत्र को, सारे भेदभाव को दूर कर, सारी जातियों को मेरे साथ लेकर, सब जातियों का मैं मेरे दिल में बसाकर मैं विकास करना चाहता हूँ। और चलिए अब आपको ले चलते हैं अजमेर, जहाँ पर सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल उचित निर्णय किया है, हमें प्रयास करना है, एक संकल्प के साथ जाना है कि 29 तारीख को हम जो भी यहाँ पर मौजूद हैं वो वोट डालें और अपने सभी रिश्तेदारों को भी कहें कि वो समय पर वोट डाल करके ऐसा इतिहास बनाएं जो कभी ना पहले बना है ना कभी आगे बने। अंत में आप सब इतनी संख्या में पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सांवर जी, जय जय अजमेर, जय जय राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। आपने सुना अजय सिंह किलक सहकारिता मंत्री, अजमेर से रामस्वरूप लांबा बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए यहां पर दिखे, संबोधित करते हुए यहां पर दिखे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सत्ता का सेमीफाइनल लगातार बरकरार है। बुलाना चाहूंगा हमारी ओजस्वी आभा मंडल युक्त भारतीय परंपराओं एवं संस्कारों के संवाहक और उच्च शिक्षा में जिन्होंने नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी राजस्थान सरकार के मंत्री किरण जी महेश्वरी को। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर जहां पर कांग्रेस अपनी जनसभा कर रही है, दूसरी तस्वीर बीजेपी की आप देख सकते हैं जहां पर बोलो सांवरिया सेठ की, किरण माहेश्वरी क्या कुछ कह रही है आप सुनिए। बोलो चार भुजा नाथ की, आज के इस विशाल जनसमूह में हमारे बीच हमारे दिवंगत सांवरलाल जी जाट साहब के उत्तराधिकारी हमारे भाई रामस्वरूप जी, जिनका पर्चा भराने के लिए ये विशाल जनसमूह यहाँ पर उपस्थित हुआ है और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने के लिए दिल्ली से आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे अजमेर से राज्यसभा में सांसद के रूप में पहुंचे ऐसे आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब, केंद्र में मोदी जी की सरकार में मंत्री के रूप में आदरणीय सीआर चौधरी साहब, हमारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता पंचायत राज मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, चिकित्सा मंत्री आदरणीय कालीचरण जी मंचासीन, सभी इस पूरे राजस्थान के वरिष्ठ नेतागण यहां पर विराजित, मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी मेरे युवा भाई, सभी मेरी माता बहने, आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और आज आप सबने तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अजमेर से कांग्रेस की तस्वीरें जहाँ पे जनसभा चल रही है, बीजेपी की तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं अलवर से बीजेपी की और तीसरी तस्वीर भी बीजेपी की अलवर से आप देख सकते हैं, जहां पर 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बीजेपी की जनसभा चल रही है, एक अलवर में और दूसरी अजमेर में। तो पहली तस्वीर आप अजमेर में देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस की जनसभा चल रही है। तीनों तस्वीरें ये
बताती है, दर्शाती है कि तीनों तस्वीरों के जरिए शक्ति प्रदर्शन में काफी शक्तियां दोनों ही पार्टी में दिख रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, भविष्य की कमान जनता किसको देती है। राजस्थान की मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अजमेर लोकसभा की सीट के ऊपर राम स्वरूप लांबा जैसे